बच्चों आज कक्षा 12 के मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। बच्चों मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जीव जाते हैं। आप जानते हैं कि लगभग 12.5 लाख से अधिक जंतु जातियाँ हैं और 5 लाख से अधिक पादप हैं। बच्चों सभी जीव जातियाँ किसी न किसी जात के सदस्य हैं, किसी न किसी जात के सदस्य हैं और सभी जीव जातियाँ मरणशील हैं, अर्थात कोई भी जीव जाति अमर नहीं है। इसलिए जनन एक आवश्यक लक्षण है जिसके कारण प्रत्येक जीव जातियों का अस्तित्व बना रहता है। प्रत्येक जीव जातियों का अस्तित्व जनन काल के कारण ही बनता है, क्योंकि सभी जीव जातियां मरणशील हैं। बच्चों हम बात करेंगे प्रजनन के प्रमुख लक्षण। बच्चों जो प्रजनन एक क्रिया है जिसमें प्रमुख लक्षण क्या है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रजनन के समय जैविक अणुओं का निर्माण, बच्चों जैविक अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आदि विभिन्न प्रकार के जैविक अणु होते हैं जिनका संश्लेषण निश्चित रूप से प्रजनन के समय होना आवश्यक। दूसरा है बच्चों प्रमुख एक लक्षण, वह है डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का डुप्लीकेशन। बच्चों डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की तरफ बढ़ाता रहता है, ले जाता रहता है। यानी एक पीढ़ी से आनुवांशिक पदार्थ दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, किस रूप में डीएनए। तो डीएनए का द्विगुणन रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन जिसे कहते हैं निश्चित रूप से होता रहता है, जिससे आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। बच्चों जन्म की क्रिया में दो प्रकार का विभाजन निश्चित रूप से होता है। कोशिकाएं संख्या में आगे बढ़ती हैं, कोशिकाएं विभाजित होकर के ढेर सारी कोशिकाएं बनती रहती हैं। उसके लिए बच्चों समवृद्धि विभाजन होता है। समवृद्धि अर्थात जो नई कोशिका बनती है उसमें कोशिकाओं की संख्या जनक कोशिका के समान है। और एक युग्मक निर्माण के समय विभाजन होता है, युग्मक निर्माण के समय जो विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में बच्चों कोशिकाओं की संख्या जनक कोशिका से आधी होती है। जैसे अगर मानव की कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं और 36 क्रोमोसोम हैं तो समवृद्धि विभाजन है 46 का 46 ही रहेगा। लेकिन अगर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो अर्धसूत्री विभाजन में जो 46 के गुणसूत्र की कोशिका है वो 23 वाली से 23। इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आती। आगे बच्चों बात करें उसी से जुड़ा हुआ है अगला युग्मकों का निर्माण। जनन की क्रिया में दो प्रकार से युग्मकों का निर्माण, एक युग्मक जो नर में बनते हैं उसे नर युग्मक कहते हैं और जो मादा में बनते हैं उसे मादा युग्मक कहते हैं, अंडाण कहते हैं। और युग्मकों का निर्माण बच्चों अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में ही, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में ही युग्मकों का निर्माण होता है। और जो अगला है वो है निषेचन की क्रिया। निषेचन बच्चों जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, युग्मक परिपक्व हो जाते हैं तो इसमें आपस में संयुग्मन होता है। संयुग्मन की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन से ही जो द्विगुणित संरचना बनती है जिसे जायगोट कहते हैं या हिंदी में युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के बनने के बाद
युग्मनज के बनने के बाद भ्रूणी परिवर्धन होता है और भ्रूणी परिवर्धन से ही जीव जातियों का शिशु का निर्माण। अब बच्चों बात करें हम मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों जो मानव है ह्यूमन, वो एक लिंगी प्राणी यूनिसेक्सुअल अर्थात मानव में नर और मादा अलग अलग, नर और मादा अलग। इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिक लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का आशय है कि नर और मादा को, स्त्री और पुरुष को समान लक्षणों के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी लैंगिक रूप से नर और मादा, स्त्री और पुरुष दोनों बिल्कुल अलग अलग। कुछ उदाहरण से आप बच्चों समझ सकते हैं कि नर और मादा को कैसे बच्चों जो नर होते हैं और जो मादा, उनकी आवाज़ में अंतर होता है, वॉइस से। जो मादा होती है उनकी आवाज़ सुरीली होती है, पतली आवाज़ होती है, और जो पुरुष होते हैं उसमें मोटी आवाज़ होती है, हार्श वॉइस, कड़क आवाज़। इसके अलावा बच्चों जो पुरुष होते हैं, पुरुष में जो पेक्टोरल गठिल यानी जो आंस निकलता है इसका विकास ज़्यादा होता है, और जो स्त्रियां होती हैं उसमें पेल्विक गठिल यानी सोड़ मेखला का विकास अधिक होता है। इस तरह से कंधे पुरुष में अधिक विकसित होते हैं, स्त्रियों के नीचे का होता है, ये अधिक। इसके अलावा बच्चों आप जानते हैं, देखते भी हैं कि जो मुस्टैच और बियर्ड है, दाढ़ी और मूछ है, वो स्त्रियों में विकसित नहीं होती। दाढ़ी मूछ का विकास केवल पुरुषों में, स्त्रियों में दाढ़ी मूछ का विकास नहीं होता। यह भी एक लैंगिक दुर्भिता के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा बच्चों मैमरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, अस्तन ग्रंथियां बच्चों होती तो दोनों में है, पुरुष में भी होती है और स्त्री में भी होती है, लेकिन पुरुष में ये ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं जबकि स्त्रियों में अस्तन ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। अस्तन ग्रंथियां स्त्रियों में सक्रिय होती हैं और पुरुषों में सक्रिय नहीं होती है, निष्क्रिय होती है, क्योंकि अस्तन ग्रंथियाँ स्त्रियों में सक्रिय होती हैं और ये अपने नवजात शिशु को इसी के माध्यम से दूध देती है। अब बच्चों हम नर जनन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद मादा जनन की बात। तो नर जनन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थाएँ उपस्थित होती हैं, उनका नाम बचे हुए हैं देखें। और तो सबसे पहले है वृषण कोश स्पोटम, दूसरा है वृषण यानी टेस्टिस, और तीसरा है अधिवृषण यानी ईपीस डी डाइमिस, और चौथा है शुक्रवाहिनियां वास सीक्रेस, है मूत्र मार्ग तथा शिष्ट यूरेट्रा एंड पेनिस, जो छठा है सहायक जनन ग्रंथियां एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, इसमें बच्चों तीन है शुक्राशय, सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट और काउपर की ग्रंथियां। वृषण कोश, स्क्रोटम, वृषण, टेस्टिस, अधिवृषण, इपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियां, वास डिप्रेस, मूत्र मार्ग इपिडिडाइमिस, चौथा है शुक्रवाहिनियां वास डिप्रेस, पांचवा है मूत्र मार्ग तथा सिस्ट यूरेथ्रा एंड पेनिस, और छठवा है सहायक जनन ग्रंथियां एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर की ग्रंथियां। अब बच्चों हम
एक एक के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें। सबसे पहले बच्चों है वृषणकोश। वृषणकोश के बारे में यही है कि वृषणकोश को अंडकोश भी कहते हैं, वृषणकोश या अंडकोश कहते हैं। अंडकोश पर पतली और ढीली रोमयुक्त त्वचा होती है। वृषणकोश पर पतली और ढीली रोमयुक्त त्वचा होती है और कोश के छोर भाग में त्वचा के नीचे ढीले संयोजी ऊतक का और इसके नीचे अरेखित पेशी तंतुओं का बना मोटा स्तर होता है जिसे डार्टोस पेशी कहते हैं, जिसे डार्टोस पेशी DOR PUS DOR PUS डार्टोस मसल। अब बच्चों हम बात करेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण सबसे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मुख्य जनन अंग क्या है, वृषण है, टेस्टिस है जो कि एक जोड़ी होता है, दो टेस्टिस होते हैं और बच्चों ये टेस्टिस मुख्य जनन अंग कहलाते हैं। बच्चों प्रत्येक वृषण लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा गुलाबी रंग का अंडे के आकार का होता है। इसका भार लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।